अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेसी वाइबर। मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा टूरिस्ट वीजा का आज है सेशन नंबर 22, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है चौधरी अशरफ का, ब्रो कैन आई गेट ए जॉब इन कनाडा ऑन टूरिस्ट वीजा विद नो एक्सपीरियंस? यस, आपको जीरो एक्सपीरियंस के साथ जॉब मिल सकती है, लेकिन दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक आपकी स्किल्स पे, सेकेंडली आप इधर आके किस तरह जॉब सर्च करते हैं। मोबाइल फोन टेक्निकल सपोर्ट का क्वेश्चन है, टूरिस्ट वीजा पर एयरपोर्ट पर क्या क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें फर्स्ट वीजा का। मेजर क्वेश्चन जो मेरे से हुआ था, आप यहां पे क्या लेने आए हैं, तो मैंने booking.com की रिसीप्ट, यानी जिस घर में मैंने रहना था उसकी रिसीप्ट मैंने दिखा दी, प्लस मैंने वो रिसीप्ट उनके सामने रख दी जो जो से स्पॉट्स मैंने विजिट करने हैं। तो मेरे से अगला क्वेश्चन ही नहीं किया, क्योंकि जब आप उनके सामने अपनी रिसीप्ट्स रख देते हैं तो इट मींस आप अपना पूरे 6-7 दिन का, 10 दिन का ट्रैवल प्लान, जितने दिन भी आपने रहना है, आप उनको बता देते हो कि यहाँ पे मैंने रहना है और यहाँ पे मैंने विजिट करना है। सईदा नीरा का क्वेश्चन है, विजिट वीजा दिसंबर 2022 में अप्लाई किया और बायोमेट्रिक 30 जनवरी 2023 को हुआ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। कोई भी रिजल्ट आपको नहीं बता सकता कि कब आएगा, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे, ये डिपेंड करता है। तो ये आप क्वेश्चन बिल्कुल ना किया करें कि कब रिजल्ट आएगा। देखें, बात सुने, एक तो आप प्रोसेसिंग टाइम, जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का प्रोसेसिंग टाइम देखें, दूसरा आप ये देखें कि बैकलॉग कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कोरोना के बाद अभी बैकलॉग कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि विद इन जो प्रोसेसिंग टाइम है उसके अंदर अंदर जो है ना आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि 100% चोटी के साथ कोई भी नहीं बताएगा, बता सकता ही नहीं कि कौन कितना दिन, कितने दिन लगेंगे। ठीक है, पूर्णा मान श्रीस्ता का क्वेश्चन है, सर एनओसी इज मैंडेटरी आर नॉट? नहीं, एनओसी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इफ माई कंपनी डोंट प्रोवाइड एनओसी देन कैन आई अप्लाई विदाउट एनओसी? जी, आप विदाउट एनओसी भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड हाउ मच चांसेस टू गेट वीजा विदाउट एनओसी सर, प्लीज रिप्लाई। चांसेस ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं जिसकी इकोनॉमी की सिचुएशन बेहतर नहीं है, तो फिर आप एनओसी लगाएं। ठीक है, एनओसी जो है ना, इट इज जस्ट लाइक आपके टाइज विद योर होम कंट्री है। ठीक है, कि आप कनाडा से वापस भी जाओगे। ठीक है, अगर आपको पास एनओसी नहीं, तो आप अपनी प्रोफाइल के बाकी जो चीजें हैं ना वो देखें कि वो स्ट्रांग है या नहीं है। आप अपने होम कंट्री के साथ अपने टाइज को ना वो स्ट्रांग करें। अब टाइज को किस तरह स्ट्रांग करना है, मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में कनाडा टूरिस्ट वीजा वाला सेक्शन है, उसके अंदर मैंने हर चीज बताई हुई है। अगर आपके पास एनओसी नहीं है, तो आपने दूसरे फैक्टर्स को स्ट्रेंथन करना है, जो साबित करें कि आपके होम कंट्री में आपके जो टाइज है ना वो स्ट्रांग है। अमजद खान का क्वेश्चन है, बॉस आई हैव ए वैलिड यूएस विजिट वीजा, कैन आई गेट इजीली विजिट वीजा फ्रॉम पाकिस्तान? देखें, कंपैरेटिवली इजी हो जाता है कनाडा का वीजा जब आपके पास यूएस का वीजा हो। यूएस का वीजा होने से आप चले जाते हो कैन प्लस कैटेगरी, CAN+ कैटेगरी का जो वीजा है, उसके लिए ये है कि आपका जो फाइनेंस वाला सेक्शन है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है, प्लस आपका जो है ना प्रोसेसिंग टाइम भी कम हो जाता है, जल्दी वीजा आ जाता है। आप कह सकते हैं विद इन 10-30 days आपका वीजा आ जाता है, लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि अभी फाइनेंस वाला सेक्शन में मुझे रिलैक्सेशन मिल गई है, मैं बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाऊं। बैंक स्टेटमेंट आपने जरूर लगानी है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको फाइनेंस वाले सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अतिंद्रा कुमार सिंह का क्वेश्चन, आई एम नॉट एबल टू ऐड ऑल माय एक्सपीरियंस फॉर द लास्ट 10 years एज द रोज आर नॉट सफिशिएंट, हाउ कैन आई ऐड मोर रोज? आप वही फैमिली जो फॉर्म है 5257 फॉर्म, उसको दोबारा डाउनलोड करें और जो है ना अपना एक्सपीरियंस दूसरे फॉर्म में उसी पेज के ऊपर ऐड कर दें। ठीक है, और दोनों जो है ना, जो पहले आपके पास फॉर्म होगा, जो आपने एक दफा और उसी फॉर्म को आपने जो डाउनलोड किया, उन दोनों को आप मर्ज कर दें और एक फाइल बना के अपलोड कर दें, और ये चीज आप कवर लेटर में मेंशन कर दें कि मैंने ये किया है। ठीक है, ताकि वीजा ऑफिसर को क्लैरिटी हो जाए। मिस्टर अवर्मा का क्वेश्चन है, हाय ब्रो, आई एम इन स्कारबरो ऑन टूरिस्ट वीजा, कुड यू हेल्प मी आर गाइड वेयर आई कैन गेट LMIA आर हाउ आई कैन कन्वर्ट माई वीजा? देखिए, आप कनाडा आ चुके हैं, लेकिन आपने प्लान नहीं किया। ठीक है, देखिए, मैं इधर कनाडा में आया हूँ, मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं कि मैंने आगे क्या क्या करना है। ठीक है,
अब LMI आपने लेनी है, LMI टोटली डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे। अगर आप इधर दो तरह LMI लोग लेते हैं, जो कि मैं एक रिकमेंड करूंगा आप अपनी स्किल्स की बेस पे लें, फ्री LMI मिलती है। दूसरे लोग वो होते हैं जो पैसे दे के $20,000-$30,000 यहाँ पे चल रहा है, कोई $35,000 ले रहा है, वो मैं बिल्कुल, वो है ही गलत है, वो गैर कानूनी है, मैं वो रिकमेंड ही नहीं करूँगा। दूसरा, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी आपकी स्किल्स किस प्रोविंस में अप्लाई। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ट्रक का लाइसेंस अगर आ जाता है तो मुझे, मैंने 13 जितनी भी प्रोविंसेज हैं, 13 प्रोविंसेज है ना कैनेडा की, तो मैंने, मुझे पता है कि मैंने ट्रक का लाइसेंस किस प्रोविंस में लेके जाना है जहाँ पे ट्रक की डिमांड ज्यादा है। तो ये आपको सारा पहले प्लान करना चाहिए था। अभी आपके, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तो आपको यही कह सकता हूँ कि आप अपनी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करें और गूगल पे सर्च करें कि किस प्रोविंस में आपकी स्किल जो है ना उधर आपको फायदा हो सकता है। ट्रैवल विद आता, हाय ब्रो, हेलो ब्रो, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क एट एयरपोर्ट इमिग्रेशन डेस्क इफ कमिंग ऑन टूरिस्ट वीजा एंड आल्सो वी कैन स्टे 1 month ऑन फर्स्ट एंट्री। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, जब आप पहली दफा आते हैं तो मेजर क्वेश्चन यही होता है कि आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं। आप उनके सामने सारी रसीदें रख दें जहाँ पे, जिस घर में रहना है और कौन से स्पॉट्स आपने विजिट करने हैं, तो शायद सेकंड क्वेश्चन आपसे ना हो। अभी आप ये कह रहे हैं कि पहले स्टे फर्स्ट एंट्री में 1 महीना वहाँ पर, देखें 1 महीना आप कैसे रह सकते हैं। अगर आपने एक ट्रैवल प्लान 7 दिन का दिया, 10 दिन का दिया, 15 दिन का दिया, तो उसके वही ट्रैवल प्लान के साथ चलें। जब आप सेकंड विजिट पे आएंगे तो फिर आप ज्यादा, फिर आप जितना मर्जी रहें 6 महीने तक आप रह सकते हैं, लेकिन पहली दफा जो आप आना है तो जितना ट्रैवल प्लान दिया है उसके मुताबिक चलना है। आमिर खान का क्वेश्चन है, IRCC पोर्टल बेहतर है या GCC वाला? US विजिट वीजा वैलिड हो तो स्टेटमेंट ना लगाएं। देखें जी, IRCC पोर्टल और GCC दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है यार, इसका कोई मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो मैंने सर्च की है उसके मुताबिक मैं आपको ये कह सकता हूँ कि दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब US विजिट वीजा हो तो स्टेटमेंट आप लगाएं, लेकिन देखें आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है कैन प्लस कैटेगरी में जब आप चले जाते हैं, लेकिन आप स्टेटमेंट फिर भी लगाएं, आप मेक श्योर करें कि आपको कनाडा वाले वीजा दें, ठीक है। सुहेल खान का क्वेश्चन है, भाई मैं अपने फादर के नेम पर प्रॉपर्टी शो कर सकता हूं? देखें, फादर ने टूरिस्ट वीजा पर नहीं जाना, आपने जाना है, ठीक है। तो आप अपनी प्रॉपर्टी शो करें, बाप की नहीं शो करनी है आपने। हाँ, फादर के साथ आपका बैंक में जॉइंट अकाउंट है तो वो आप शो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक सक्सेस स्टोरी, इंडिया की लड़की थी, आप देख भी सकते हैं मेरे इस चैनल पे, उसने अपनी सक्सेस स्टोरी जब मेरे साथ शेयर की, सबने देखा था कि उसने ये बताया कि उसका और उसके फादर का जॉइंट अकाउंट था, वो उसने शो किया था। और सिर्फ वो नहीं था किया, उसने अपना भी बैंक अकाउंट लगाया था, फादर के साथ जो शेयर्ड अकाउंट था, जॉइंट अकाउंट और प्लस उसका अपना भी अकाउंट, दोनों मिला के लगाया था। क्योंकि मैं ये इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, तो कुछ लोग बोलेंगे यार चलो फादर के साथ शेयर्ड अकाउंट, और शेयर्ड जो जॉइंट अकाउंट है वो भी थोड़ा पुराना हो, नहीं ये नहीं आप वीजे के लिए अप्लाई करने लगे हैं तो बाप के साथ आप अपना जॉइंट अकाउंट खोल के तो अप्लाई कर लो, वो सब पता चल जाता है। अकाउंट थोड़ा पुराना हो और आप अपने आप भी, अपने अकाउंट में भी कुछ जो अमाउंट है वो शो करनी है, तो सारी चीजें मिलके होती हैं। फैसल अब्बास का क्वेश्चन है, भाई मेरे पास पाकिस्तान का LTV HTV 3 years ओल्ड लाइसेंस है, UAE का 6 month का लाइसेंस है, हैवी मशीनरी का 8 number एक्सकवेटर व्हील लोडर फोर्कलिफ्टर वगैरह, और वहाँ आने का क्या तरीका है और क्या वहाँ जा मिल जाए। देखें, आपके पास ये लाइसेंस है बड़ी अच्छी बात है, आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें, आइल्स के कोर्स करें, ठीक है, यहाँ पे टूरिस्ट वीजा पे आएं, और यहाँ पे आके आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके पास आपकी स्किल्स हैं, ये वाली मशीन्स आपको चलानी आती हैं, ये किस प्रोविंस में इनकी ज्यादा जॉब्स है। देखें, मैं अभी आया हूँ, या मैं फ्यूचर में आपको बताऊंगा कि इस ये वाली स्किल की इस प्रोविंस में जॉब है, ये वाली स्किल की इस प्रोविंस में जॉब है, ठीक है। आपको मैं बता दूंगा, फिर आगे से आपने किस तरह प्रोसीड करना है वो भी, वो आपका काम है, ठीक। मैं कंपनीज के साथ भी मिलने की कोशिश करूंगा ये, लेकिन ये मेरे फ्यूचर के प्लान्स है, लेकिन अभी मैं एक जनरल आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। बहुत अच्छी बात, आपके पास ये सारे लाइसेंसेज हैं, ठीक है, लेकिन आपने जॉब किस तरह लेनी है, ये आप यहाँ पे आना किस तरह है, पहले तो ये आप सोचे आना किस तरह है। मेरे इस चैनल में कनाडा टूरिस्ट वीजे वाला सेक्शन है, वहाँ पे जाके आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह आ सकते हैं। एक ही तरीका मैंने आपको बताया है, टूरिस्ट वीजा वाला, ठीक है, उस पे आप जॉब ढूंढ सकते हैं, लीगल है। वकास अली पठान का क्वेश्चन है, पाकिस्तान ड्राइविंग लाइसेंस हो तो अब्स्ट्रैक्ट लेटर कहाँ से लेना है? जहाँ से आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिला है वहाँ उसी डिपार्टमेंट में जाएं, उनसे पूछें कि अब्स्ट्रैक्ट
कहां से मिलेगा, तो वो आपको बता देंगे कहां से मिलेगा। जोया आपका क्वेश्चन, सलाम भाई, आई हैव ए क्वेरी, आई एंड माय फैमिली अप्लाइड कनाडा टूरिस्ट वीजा 16th मार्च एंड बायोमेट्रिक ऑन 27th मार्च। आवर प्रोफाइल इज माय हस्बैंड डूइंग हिज ओन बिजनेस, ही इज डायरेक्टर सिंस 8 इयर्स एंड हैव ए गुड बैंक अकाउंट बोथ पर्सनल एंड बिजनेस, एंड ऑल्सो वी हैव ए गुड ट्रैवलिंग हिस्ट्री विद वैलिड यूएसए वीजा B1 B2 वीजा एंड विजिट वीजा इन यूएसए एंड स्टिल वैलिड 2027। वी ऑल्सो हैव एन इन्विटेशन फ्रॉम कनाडा, सो भाई कब तक रिजल्ट पॉसिबल है एंड व्हाट आर द चांसेस टू गेट वीजा। देखिए आपके दो क्वेश्चन है, रिजल्ट कब तक पॉसिबल है, रिजल्ट किसी को भी नहीं पता एग्जैक्ट डेट का, लेकिन आप क्योंकि आपके पास यूएसए का वीजा है तो आप चले जाते हैं कैन प्लस कैटेगरी में, तो आप एक्सपेक्टेड है कि विद इन 10-30 days आपका वीजा आना चाहिए। लेकिन दोबारा बता दूं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी बैकलॉग जो है वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है उसके अंदर आएगा, तो आप एक्सपेक्ट करें विद इन 10-30 days। और चांसेस क्या हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन ये है, देखें आपकी प्रोफाइल अच्छी है क्योंकि आपके पास यूएसए का वीज़ा है, तो चांसेस हैं कि आपका वीज़ा, काफ़ी चांसेस है। अभी ये मैं नहीं बोलूँगा 80% या 90% है, ये कोई भी नहीं, अगर कोई बोलता है तो वो गलत कर रहा है। तो आपको जो इन्विटेशन कनाडा से मिला था वो मेक श्योर आपको करना चाहिए था कि उस जिसने आपको इन्विटेशन लेटर दिया उसका स्टेटस अच्छा होना चाहिए, प्लस जिसने आपको इनविटेशन लेटर दिया उसके साथ आपके चैट होनी चाहिए उसके साथ, या आपकी मैसेज कोई फोटोज होनी चाहिए, या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साबित करें कि आपका उसके साथ कोई रिलेशन रहा है या आप उसके मतलब कोई फ्रेंड है, तो ये आपने सबूत भी लगाने चाहिए थे। अगर आपने क्योंकि मेरी अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज देखी होंगी और उसके बाद अप्लाई किया तो आपने लाजमी वो सबूत लगाए होंगे। सदाकत अली जई का क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर ट्रक लाइसेंस एंड एक्सपेंसेस, हाउ मच अमाउंट विल बी इनफ फॉर कंप्लीट ट्रक लाइसेंस प्रोसेस टू वर्क परमिट। देखिए ट्रक का लाइसेंस आपने लेना है, अगर आपके पास गाड़ी का लाइसेंस नहीं है और आप 2 साल से प्लस का एक्सपीरियंस और एब्स्ट्रैक्ट साथ अगर लेके आते हैं, तो फिर ट्रक का लाइसेंस और गाड़ी का लाइसेंस मिला के आपको 3 महीने का आप जेन में रखें, 3 महीने लगेंगे। प्लस जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सपेंसेस, वो आप 7,000 डॉलर्स कैनेडियन डॉलर्स आप जेब में रखेंगे, इतने लग जाएंगे गाड़ी का प्लस ट्रक। लेकिन मेक श्योर करना है कि आप जहाँ से आ रहे हैं 2 साल से पुराना आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और एब्स्ट्रैक्ट लेटर आपने साथ लेके आना। तो ये सारे क्वेश्चन, मजीद अगर आपके जेहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर 2 या 3 दिन के अंदर अंदर एक सेशन ज़रूर किया जाए, क्योंकि मैं अभी इस वक्त इधर टूरिस्ट वीज़ा पे हूं, थोड़ा बिजी हूं, कुछ काम चल रहे हैं, जब मेरे वो टारगेट्स अचीव हो जाएंगे तो उसके बाद तो फिर मोजे हैं, फिर आपको मैं हर बंदे का जिस कई लोगों के क्वेश्चन मिस हो जाते हैं उनके आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन जैसे ही मेरे कुछ टारगेट्स अचीव हो जाते हैं तो मैं फिर किसी का क्वेश्चन मिस नहीं करूंगा, सबको क्या कहते हैं वो पंजाबी में सब दा रांझा राजी करांगा, ठीक है। तो मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बता जो है ना ज़रा प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।